ايه لحشيت اربعة. जान लेवा बम धमाकों के बीच सुकून देती यहां से देखिए। एक मासूम हंस रही है, बाहर बम धमाके हो रहे हैं। जी हाँ, ये सीरिया है। सीरिया की तस्वीर आज हर किसी के जहन में कई सवाल उठा रही है। सवालों के साथ साथ ये भी दिखा रही है कि आखिर कैसे एक पिता अपनी बेटी को खौफ से बचना सिखा रहे हैं, वो भी हंसी मजाक में। जी हाँ, दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहाँ कब बमबारी शुरू हो जाए किसी को पता नहीं होता। खासकर सीरिया की बात करें तो यहाँ हर वक्त एक डर का साया सभी के सिर पर छाया रहता है। सीरिया के जो ताज़ा हालात हैं, उसने 9 लाख लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। सीरिया में मानो लोगों के लिए आम बात है बम धमाके होना या फिर हवाई बमबारी। ऐसे में एक सुकून देता वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहा है, जिसमें एक पिता अपनी बेटी के साथ इन बम धमाकों के बीच हंसी के पल ढूंढ रहे हैं। 4 साल की बेटी सेल्वा और उनके पिता मोहम्मद अब्दुल्ला। देखिए कैसे एक पिता अपनी बेटी से पूछ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, और बेटी भी हंस के जवाब देती है कि ये एक बम धमाका है। इस वीडियो में बम धमाकों की आवाज आपको साफ सुनाई देगी। पिता अपनी बच्ची के साथ वीडियो बना रहे हैं। जैसे ही बम धमाका होता है, बच्ची जोर जोर से हंसने लगती है। पिता ये सब जानबूझकर कर रहे हैं ताकि बच्ची सीरिया में हो रहे इन बम धमाकों से बिल्कुल ध्यान रहे। बच्ची की मासूमियत देखकर हर कोई हैरान है। यही नहीं, बच्ची की इस हंसी का हर कोई कायल हो रहा है। उनके पिता अब्दुल्ला कहते हैं कि वो बच्ची को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी मनोवैज्ञानिक तरीके से, ताकि उनकी बेटी इन बम धमाकों से डरे नहीं। वो कहते हैं ये मासूम युद्ध क्या है ये नहीं समझते, और अगर उन्हें ये समझाने की कोशिश भी की गई तो उनके दिमाग में डर बैठ जाएगा। कुल मिलाकर सीरिया के ताज़ा हालात और उन हालातों के बीच एक पिता और पुत्री की इस तरीके से युद्ध के हालातों में हंसी के पल निकालना सबका ध्यान खींच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भीम टीवी।